Assalamualaikum, I am Rimsha. उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेट लॉस के सिर्फ फाइव सिंपल और इजी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनका वेट कम नहीं होता, जिनका वेट स्टक है और जो नए नए वजन कम करने लगे हैं, जो ये कहते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, सब कुछ हर कोई कर लेता है। बहुत इजी और सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि 2 महीने में आपका 5 kg वेट लॉस होगा, ठीक है। आप सब कुछ करके देख लिया होगा, एक दफा मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फर्क पड़ा है कि नहीं, ठीक है। चलते हैं टिप नंबर 1 पे। हम चलते हैं टिप नंबर 1 में। टिप नंबर 1 है माइंड सेट। अच्छा, तो माइंड सेट उनका होगा जो जिन्होंने ठान ली है कि अब हमने वजन कम करना ही करना है। सबसे पहले बात, क्या आपने वाकई वेट लॉस करना है ना, तो अपने आप पर यकीन रखो कि मैं मेहनत करूंगी तो मुझे इसका फल मिलेगा और अल्लाह पाक जरूर इसका फल देगा, ठीक है। बी इजी, टाइम देना है, कोई बात नहीं। आपने इतने महीनों में वजन बढ़ाया, कोई बात नहीं, तो ये कम भी होगा। इतना जितने में आपने बढ़ाया ना, उससे कम ही टाइम लगेगा वजन कम करने में, ठीक है। वजन ही है ना, कम हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, किसी चीज की टेंशन लेनी, जब आप टेंशन लेते हो तो आपका वजन गेन होता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, सबसे माइंड सेट करना है कि मैंने वजन कम करना है और मैंने अपने टारगेट पर पहुंचना है, ठीक है। सबसे पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए। जब आपका माइंड सेट होगा ना, तो वजन 100% कम होगा, ठीक है। जब आपने वजन कम करना है, ठीक है, अगर आपका वजन 70 है और 80 है, ठीक है, अगर आपका टारगेट है, मेरा टारगेट है कि मैंने 60 वेट करना है, ठीक है, 60 वेट जब करना है, आपने उस अपनी वेट लॉस जर्नी को सर पे नहीं चढ़ाना, हाइला मैं ये कर रही हूँ, हाइला मैं वो कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, जो मर्जी हो, अपने अपना माइंड सेट करना है, मैंने अपने लिए स्मार्ट होना है, मैंने अपने लिए प्यारी लगना है, मैं ये कपड़े पहनूंगी तो मुझे प्यारे लगेंगे, ठीक है। जब आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मैंने अब वजन कम करना है, मैंने मेहनत करनी है, तब जाके आप अपनी ये टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। पहला टिप ही यही है कि आपने अपना माइंड सेट करना है कि हाँ, मैंने वजन कम करना है, मैं मेहनत करूंगी तो मुझे उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद रखनी है, पूरी टोटल उम्मीद रखनी है कि अल्लाह पाक मुझे इसका फल देगा ही देगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले माइंड सेट करेंगे, ठीक है, आपने अपने टारगेट अचीव करना है और तब तक नहीं रुकना जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए, आपने वेट लॉस जर्नी अपनी चलती रहनी है, ठीक है। अगर आप रिलैक्स रहते हैं, सब कुछ करते हैं, अपना माइंड सेट है, अपने आप से प्यार करते हैं, अगर वजन थोड़ा लेट भी कम होता है तो कोई बात नहीं, आपका ही वजन है ना, फिर क्या हुआ, कम हो जाएगा, ठीक है, आपने अपना माइंड सेट कर लेना है। हाँ, अगर आपका वजन स्टक रहता है, ठीक है, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, तब भी ये टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो, तब भी अपना माइंड सेट कर लेंगे तो कोई बात नहीं यार, इतना मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैं करती जाऊंगी, मेरा वजन कम हो जाएगा, तो फिर आपका वजन जरूर कम होगा। स्टक होने की वजह ये कभी कभार ये भी होती है कि कभी आपका वजन स्टक हुआ होता है, बॉडी शेप में आ रही होती है, ठीक है, आपके इंचेस कम हो रहे होते हैं, ठीक है, तब भी वजन स्टक हो जाता है। तो वजन स्टक लेने की टेंशन नहीं लेनी, माइंड सेट आपका पूरा होना चाहिए, जब तक टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे तब तक आपने अपनी वेट लॉस जर्नी नहीं छोड़नी। वजन अगर आपको टारगेट में पहुंच भी गया है, तब मेंटेन करने के लिए भी आपको ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने हैं, मेंटेन करने के लिए भी, ठीक है। चलते हैं टिप नंबर 2 में। टिप नंबर 2 है कि आपने ड्रिंक प्रॉपरली, ठीक है, ड्रिंक प्रॉपरली, पानी बहुत अच्छे से पीना है। पानी आपने, मतलब अब जहन में ये आता है कि मैं पानी कितना पीऊं, मैं पानी किस टाइम पीऊं, मैं 2 लीटर पीऊं, 3, कोई कहता है कि 2 लीटर पीना चाहिए, कोई कहता है कि 3 लीटर पीना चाहिए, लीटर के लिहाज से कोई कहता है कि 8 ग्लास पीने चाहिए, कोई कहता है 9 ग्लास पीने चाहिए, सब बातें छोड़ें, आज से ये ट्रिक आजमाएं, जितना आपका वेट है, ठीक है। सपोज मेरा इस टाइम वेट 57 है, मैंने अपना वेट 68 से 57 किया है। मैं आपको किस दिन अपनी जर्नी भी सारी शेयर करूंगी और मैंने ज्यादातर यही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए हैं, मैं आपसे कभी डाइट प्लान भी शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं ड्रिंक की, मतलब पानी आपने कितना पीना है, वाटर। ड्रिंक में बोतल, कोक, पेप्सी ये नहीं आती, ड्रिंक में सिर्फ इस टाइम बात हो रही है
वाटर की, ठीक है। अच्छा, अगर आपने पानी कितना पीना है, ठीक है, हम ये बात करते हैं पानी कितना पीना है। अगर सपोज मेरा वजन, मेरा इस टाइम वजन 57 है, 57 है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 30 से, ठीक है। 30 आपने 1710 ml, इतने ml पानी पीना है, ठीक है, मिलीलीटर, इतना इतना ml पानी पीना है। आपने 57 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उतने ml आपने पानी पीना है। मैं आपको फिर बता रही हूं, जितना आपका वेट है, जितना आपका वेट है उसको मल्टीप्लाई करना है 30 से। ये है टिप पानी पीने की, जो आएगा वजन उसको उतना ml पानी आपने पीना है। इससे कम नहीं पीना, इससे ज्यादा पिएंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इतना पानी लाजमी पीना है, इतना पानी आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है। अब आपको पानी कैसे पीना है, ठीक है, पानी आराम से पीना है, तेज से पीना है, पानी हमेशा आराम से पीते हैं, पानी कभी भी तेजी से नहीं पीना ऐसे, ओके। तो पानी आपने आराम से पीना है, पानी के मतलब तीन तीन सिप में पानी पीना है, मतलब आप कहते हो कि ना वक्फा ले लेके पानी पीना है, ठीक है, जैसे सुन्नत है आपने वैसे पानी पीना, एक ही तेजी से एक ही घूंट में सारा पानी पी गए तो ये बहुत गलत है, ऐसे जाके मैदे को लगता है, तो पानी ऐसे नहीं पीना, आराम आराम से पीना है, कोई जल्दी नहीं है, कुछ नहीं होता, कोई टेंशन नहीं, हालांकि मेरे पानी पीना है, हालांकि मेरा ये पानी पूरा नहीं हुआ तो मैं एक ही दफा एक लीटर पी लूं, नहीं, आपने वक्फे वक्फे में एक घंटे बाद, दो घंटे बाद ml पानी पी दिया इस तरह से, ठीक है। पानी पीने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, ठीक है, पानी से, पानी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी, इससे आपके मतलब आपको वॉशरूम भी बड़ा खुल के आएगा, आपकी किडनीज बड़ी साफ रहती हैं, मतलब आपको मेडिकली आपके हॉर्मोन्स वगैरह सब कुछ बैलेंस रहता है। पानी बहुत जरूरी है, पानी को जब पिए आराम से पिए, और आपकी बॉडी को कितना पानी पीना चाहिए वो आपको अपने वजन से मल्टीप्लाई बाय 30 करना है, जो उतना जो आंसर आएगा उसको उतना ml पानी पीना है आपने, ठीक है। चलते हैं अब टिप नंबर 3 पे। नंबर 3, स्लीप, ठीक है, सोना कितना है, बहुत मैटर करता है सोना कितना है। सोने से क्या होगा, मेरा कैसे वजन कम होगा सोने से, सोने से बहुत जल्दी वजन कम होता है, एक तो आप सोने से रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है, सोने से आपको बहुत ज्यादा आपके हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं। अगर आप नींद ही ना पूरी करते तो गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है, तो इससे आपके हॉर्मोन्स ऊपर बैलेंस होते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है, तो आपको बढ़ा होता है कि यार मतलब मुझे किसी से बात नहीं करनी जब नींद ना पूरी हो, ठीक है। अक्सर जब पेपर देने जाते हैं तो इतनी टेंशन होती, हम रातों को सोते ही 2-3 घंटे, क्योंकि हमने पढ़ना ही एंड भी होता है चले, तो वो तो लहदा बात है। अगर आपको सोना बहुत प्रॉपरली, अगर आपने वेट कम करना है, आप अपने आप से प्यार करते हैं तो हर काम अपना प्रॉपर करें, तो आपको नींद बड़ी जरूरी है, आपको 7-8 hours लाजमी सोना है, ठीक है। अगर आप इतना सोते हैं ना तो आप बहुत हेल्दी लाइफ आप गुजारेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे, तो आपको 7-8 hours सोना ही सोना है। अब जितना मर्जी बिजी है, जो भी आप अपने लिए टाइम निकालें, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, हमें वेट कम करने में ये टिप्स एंड ट्रिक्स रेगुलर रूटीन के हैं, बस हमें रूटीन थोड़ी सेट करनी होती है, तो हमें अपने आप माइंड को फ्रेश करना होता है, हम ये सब कुछ करेंगे तो हम वेट लॉस कर लेंगे। तो आपको सोना बहुत जरूरी है, इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं, वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प देता है, आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, सब कुछ रिलैक्स है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं टिप नंबर 4 में, ठीक है। टिप नंबर 4 है डाइट। डाइट कैसी लेनी है, क्या खाएं क्या ना खाएं, वेट लॉस करने के लिए भाई कहते हैं कि आप बाहर का खाना छोड़ दें, सब कुछ कर दें, कैसे छोड़ दें, सुकून नहीं आता दिल को जब तक बाहर का खाना ना खा रहे। फास्ट फूड तो अब जिंदगी का हिस्सा बन गया, आजकल की जैसी लाइफ है, फास्ट फूड तो बस खाना ही खाना है, क्या कर सकते हैं अब। हम जैसे टीनएजर्स हैं तो वो तो खाएंगे ही खाएंगे, तो डाइट में सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपना पोर्शन बनाने हैं डाइट के, ठीक है। डाइट में क्या होता है, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होती है और फैट होता है, ठीक है, ये तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों को हम कहते हैं कि आपका पोर्शन है। अब इन तीन चीजों को लेके खाना है, मैं कहूंगी आप सब कुछ खाएं, कार्ब्स भी खाएं, प्रोटीन भी खाएं, फैट भी खाएं, बाहर की चीजें भी खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन
लेकिन बात यह है कि आपको अपनी भूख रख के खाना है। अब जैसे मेरी बात सुने, अगर हम रोज रोज के बाहर खाने से तो अवॉइड करना ही पड़ेगा अगर आपने वेट लॉस करना है, ठीक है मेरी बात सुने। अगर आप तब सुबह नाश्ता बहुत हैवी करें, नाश्ते में आप पराठा खा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। नाश्ते में आप 2 स्लाइस लें, अंडा लें, दूध पिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप काम करते हैं, ठीक है, सुबह 8 बजे या 9 बजे जब भी आप अपने काम पे जाते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज में है तो आप 6-7 बजे उठते हैं, तो आप उसके लिए भी हैवी नाश्ता करें। हैवी नाश्ता बहुत अच्छा है, बहुत गुड है, आपको रिफ्रेशमेंट रहती है सारे दिन के लिए। नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। लंच में अब आपने कहा हम दोस्तों के साथ बाहर थे तो हमने वो फास्ट फूड खा लिया, चलो खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको थोड़ा खाएं। ये नहीं है कि भाई पिज्जा आया तो मैं उसको 2-3 स्लाइस मैं ही खा जाऊं, नहीं, आप 1 स्लाइस खाएं, वो भी छोटे वाला, ठीक है, खाएं जरूर लेकिन थोड़ा खाएं। बस ये कि अपनी आपको भूख लगी है ना, आपको पूरा पूरा पेट आई है, ठीक है, आपको इतना पेट फुल करना है, बाकी पेट खाली रखना है, मतलब ये आपका पेट है, आपको इसके 3 हिस्से खाने हैं, 1 हिस्सा खाली छोड़ना है दोपहर को, ठीक है, आपने ये करना है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं मैंने पिज्जा खा लिया, अब मैं 2 घंटे बाद फिर खा लूं, नहीं, आपको फिर मतलब शाम वाला आपको मिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने खाया है मतलब बर्गर पिज्जा शवारमा जो भी खाया। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तब मैं ये बात बता रही हूँ। अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी आप थोड़ी लें, 50 ग्राम रोटी लें, बहुत बेनिफिट रहेगा। वैसे अगर आपने वेट लॉस करना है ना तो वीक में 1 दफा फास्ट फूड खा लें, बाकी सारे दिन जो है ना आप घर में रोटी खाएं, 50 ग्राम की रोटी खाएं, और जो सालन बना है वो आप थोड़ा सा ले लें, सालन भरभर के ना लें, जितना हो सकता है ऑयल से पीछे रहें, ठीक है, ये आप लंच में कर लें। और मतलब आप जैसे रात टाइम है, रात टाइम कोशिश करेंगे आप बहुत थोड़ा खाएं, क्योंकि रात के बाद हम लोगों ने सो जाना होता है, हमें सुस्ती चढ़ी होती है, हम कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो आप रात टाइम बहुत थोड़ा खाएं। अब जैसे आपने दोपहर को रोटी खाई है, सुबह नाश्ता भी हैवी किया, तो आप रात को 2 टिकिया ले लें, मतलब या फिर आप बीफ ले लें, कुछ आप मटन ले लें, जो भी मतलब जो कीमा ले लें, बॉयल कीमा ले लें, तो जो टिक्कियां हैं वो लेंगे, या फिर आप थोड़ी सी दही ले लें, इस तरह करके आप रात को थोड़ा सा खाएं, ठीक है। एक ये मतलब डाइट आपका, मतलब डाइट में मैं कहूंगी सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले मील में बहुत ज्यादा खा लिया तो दूसरे मील को स्किप कर दें, बहुत ज्यादा खा लिया तो दूसरे मील को स्किप कर दें। अगर पहले मील में आपने मतलब आपने आधा आधा आपका पेट बढ़ा, आधा नहीं बढ़ा, तो दूसरे मील को फिर आधा खा लें, इस तरह से थोड़ा बैलेंस करें अपने आप को, मतलब एक मील ज्यादा है तो दूसरी मील कम, दूसरी मील स्किप कर दें, ठीक है। अगर एक मील आपने हाफ पेट बढ़ाया तो दूसरी भी, मतलब बैलेंस रहें, पेट को थोड़ा हल्का फुल्का रखें, और बाकी जो आपकी भूख होती है ना वो पानी की होती है, आप उसमें पानी पिए, ठीक है। फिर कहते हैं कि मैं पानी की भूख, पानी कैसे पिए, हमारा दिल ही नहीं करता, जब आप खाना थोड़ा खाएंगे ना तो आपको पानी की प्यास लगेगी, ठीक है। ये और ये बहुत आपस में रिलेट करते हैं, ड्रिंक और वाटर और डाइट बहुत लिंक करते हैं आपस में। अगर आप डाइट थोड़ी कम करेंगे ना तो आपको प्यास लगेगी, फिर पानी जब आप पीना शुरू करते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुद ब खुद ही भूख कम होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, मेन चीज ही डाइट है, मैं ये नहीं कहती वेट लॉस में मेन चीज ही डाइट है, डाइट का बहुत ज्यादा मतलब 70% डाइट है और 30% आपको होके एक्सरसाइज है, वो हम चलते हैं अभी। लेकिन आपको डाइट में आपको बस ये ध्यान रखें कि अगर आप चावल भी घर में पके हैं, राइस बने हैं, तो आप खाएं जरूर, लेकिन आप उसके मतलब 7-8 टेबल स्पून खा लें बस, इससे ज्यादा ना खाएं। हम प्लेट भरकर खा लेते ऊपर हम चने भी डाल लेते हैं, अगर मसर बने तो मसर डाल लेंगे, नहीं, आप थोड़ा खाओ, पोर्शन में खाओ, और दाल भी खाओ, सब कुछ खाओ। आप बोतल पीते हो ना तो पूरी पूरी बोतल ना पीजो, 2-3 घूंट पी लो, इट्स ओके, खा तो लिया ना, दिल को सुकून तो हो गया ना। अगर नगेट्स बनते हैं, फ्राइज बनती है, सब कुछ बनता है, थोड़ा खाओ, जो खाना है थोड़ा खाओ, और रात टाइम कोशिश करो कि ऑयल और कार्ब्स लेने से ना लो, रात टाइम, सिर्फ रात टाइम की बात है, दिल करता है रात को ही, दिल करता है हर चीज का, स्नैक्स का रात को दिल करता है, लेकिन आपने रात को कोशिश करनी है कि आपने रात को सिर्फ प्रोटीन लेनी है, ठीक है, और साथ थोड़ी सी दही ले लें, उसमें कार्ब जरूर होते हैं, लेकिन थोड़ी सी दही ले लें, घर की बनी हुई दही लें रात को, बाहर की बाजार की नहीं लें दही, ठीक है। और डाइट में आप इतनी सी चीजों का ख्याल रखें, आपका जरूर वजन कम होगा, बस ये है कि आप भूख रख के खाएं, और रात टाइम जरूर थोड़ा सा मतलब प्रोटीन लें, या फिर रात टाइम बहुत थोड़ा सा खाएं, बहुत थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं खाना। अगर कुछ भी दिल नहीं कर रहा तो आप दूध पी लें, मतलब रात को मतलब टोटल आपके 200 कैलोरीज रात को हों बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने दोपहर को नाश्ता भी तो हैवी किया है ना, रात को आपको एनर्जी नहीं चाहिए, इतना रात को नहीं खाना चाहिए, रात को कौन सा हमने काम करना होता है, आराम से सो जाना है, ठीक है। अब चलें,
अब चलते हैं टिप नंबर फाइव में. अब चलते हैं टिप नंबर फाइव में. ठीक है, फाइव में सब है कि वॉक वॉक एक्सरसाइज कुछ भी, लेकिन आपको कितना करना, कितनी एक्सरसाइज करनी है. भाई मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती, मेरे से वॉक नहीं होती, मैंने काम करना होता है, मैं सुबह की आती हूँ, थकी होती हूँ, मैं कब एक्सरसाइज करूँ, कब वॉक करूँ. आपको अपने लिए थोड़ा सा 10 से 15 मिनट टाइम निकालना ही निकालना है रेगुलर बेसिस में. ठीक है, मैं नहीं कहती आप एक्सरसाइज करें बहुत हार्ड करें ना करें, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आप मतलब डिपेंड करता है कि आप पे कितनी एनर्जी है. रात को शाम को आते हैं काम से फ्री होकर, अगर आप में एनर्जी है तो 15-20 मिनट एक्सरसाइज कर लें. ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वॉक कर लें, वॉक कर लें 10-20 मिनट्स वॉक कर लें, इससे ज्यादा ना करें 10-20 मिनट. अच्छा, अब वॉक करने की बात आती है. हाँ, मुझे मैं कैसे बाहर जाऊं भाई, मेरे पास मतलब मैं सेहन में जाऊंगी और नहीं, मैं कैसे वॉक करूं. ग्राउंड में वॉक कर ले आप, सेहन में वॉक कर ले. अच्छा, नहीं कर सकते ना सेहन में कर सकते ना ग्राउंड है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, ओके, कमरा तो है ना, कमरे में साइड में जो खड़े होते हैं बस वहीं पे आप यूट्यूब में पड़ी हुई है लेस्ली वॉक कर ले, या कोई शादी एक जगह पे खड़े होकर 10-15 मिनट का टाइमर लगाया और आराम से वॉक कर लेंगे. अगर सॉन्ग सुनने के आपके सॉन्ग सुनने के आदि हैं तो साइड में सॉन्ग लगाए 10-15 मिनट का, यूट्यूब में 15 मिनट के सॉन्ग आ जाते हैं सब कुछ 10 मिनट वो लगाए, उससे आपका टाइम भी काउंट हो जाएगा और आराम से आप वॉक भी कर लेंगे. एक जगह पे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, या फिर आप जंपिंग जैक्स करना पसंद करते हैं तो वो कर ले. मतलब 10 से 15 मिनट कोई ना कोई आपको अपने जिस्म की मतलब एक्टिविटी आपको करवानी है. बॉडी आपको थोड़ी बहुत पसीना आए, आपको सब कुछ हो तो बॉडी थोड़ी एक्टिव होगी, बॉडी एक्टिव भी होगी, बॉडी में हॉर्मोन्स के भी बैलेंस रहेंगे, अच्छे रहेंगे. बहुत ज्यादा फायदे हैं आपको, वॉक लाजमी करनी चाहिए. आपका वजन मेंटेन है या कम करना है, या आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको वॉक लाजमी करनी चाहिए. इससे घुटनों का मसले मसाइल जल्दी नहीं आते, कमर का मसले मसाइल नहीं आते. तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के घुटनों में कमर में दर्द है तो वो भी नहीं आएंगे. वॉक करते रहिए आप 10 से 15 मिनट, आप जरूर हेल्दी फील करेंगे. ये फाइव टिप्स हैं, ठीक है, जो आपने अगर अपनी लाइफ में ऐड कर लिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कही मैंने या इतनी मुश्किल बात नहीं कही, जो आप वेट, बहुत सिंपल है, बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत इजी टिप्स और ट्रिक्स हैं, ये आपको फॉलो, ये आप जरूर फॉलो करिएगा और फिर मुझसे इन सबको बताइएगा. ये लाइफस्टाइल है, आपको लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज करनी है, आपका वेट कम हो जाएगा. ये आपको जो मैंने बताया ये लाइफस्टाइल है सारी, ये आपको वजन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प देगा. इसको सबको आप अपने आपको मेंटेन रखना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, अपना वेट बैलेंस करना, जो भी करना है आपको इन टिप्स को फॉलो करें तो जरूर आप मेंटेन रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, हर काम आपका अच्छा होगा. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी करें. मैंने इतनी मेहनत की है, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और मैं टिप्स और ट्रिक्स को जरूर फॉलो करिएगा और फिर मुझसे शेयर करिएगा कि आप मतलब मेरे टिप्स और ट्रिक्स आपको कितने मतलब फायदा दिया आपको. ठीक है, और मैं चाहूंगी कि आप जरूर इनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको जरूर वेट कम होगा. मैंने भी इसी से ही वेट कम किया है, मैंने 10 kg वेट लॉस किया है, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी और मैंने इसी से ही वेट लॉस किया है. ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू.